सो आई एम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाऊंगा, और ये टेस्ट करवाने का रीज़न ये है कि अभी लास्ट वीक एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया था कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है उसमें एंटीबॉडीज़ कम लोगों में बनी है, और जिसमें कोविशील्ड लगवाई है उसमें 98% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई है। और जब मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी, मेरे को दोनों डोज लग चुकी है, तो मेरे को ना कोई फीवर आया था ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो मेरे मन में भी थोड़ा डाउट हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए आज ये एंटीबॉडी टेस्ट करवा रहा हूँ। ओके, वन मोर थिंग, एक चीज़ बताना भूल गया, अभी जब मैं एडिट कर रहा था तो याद आया कि मैंने जो फर्स्ट डोज लगवाई थी वो 6 मई को लगवाई थी, और सेकेंड डोज मैंने 4 जून को लगवाई, विच इज़ ऑलमोस्ट 29 डेज गैप। और आज 22 जून है, और वैक्सीन लगवाई थी मैंने 4 जून को, तो ऑलमोस्ट 18 डेज का गैप हुआ है गैस। तो ये बताना भी इम्पोर्टेंट था। सो नाउ बैक टू द वीडियो। जो मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ वो HOD पे करवाऊँगा। हेलो, वीडियो बना सकता हूँ ना जस्ट फॉर यूट्यूब के लिए? एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है। हाँ अभिषेक, सेल्फ करा रहे हैं डॉक्टर ने क्या? आपको सेल्फ करवा रहा हूँ। कोई टेस्ट ऐड करना? नहीं, सिर्फ एंटीबॉडी। हाँ जी। पेमेंट कैश करेंगे आप? कैश रहेगा। 470 का टेस्ट है। 470 मेरा आईडी है ना, अभिषेक जी। 270 जी, करेक्ट। कितना? 24 आएगी तो मैसेज आएगा। ओके, तो अभी क्या है, मैं ऑफिस में हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है तो बात करते हैं। ओके, सो फाइनली रिपोर्ट आ गई है, और अभी 9:30 हो रहे हैं रात के, तो
रिपोर्ट आ गई है, मैं भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। रिपोर्ट जो है वो रिएक्टिव आई है, दैट मीन्स मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, कोवैक्सीन ने अपना काम किया है। अच्छा, जो भी मेरे मन में डाउट था वो अब क्लियर हो गया है। और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, ये जो मेरा इस रिपोर्ट में 6 point something आई है ना वैल्यू, मेरे पापा ने और मेरे चाचा ने कोविशील्ड लगवाई थी, उनका भी एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, उनकी यही वैल्यू 16 और 17 आई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे आप कोवैक्सीन लगवाओ या कोविशील्ड लगवाओ, दोनों वैक्सीन बढ़िया है, मेन पॉइंट इज वैक्सीन लगवाओ, कुछ तो सेफ्टी मिलेगी। ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अपना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन वाली, उस वीडियो में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और बाकी I'm not afraid to die.